हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 अपनी जबान का सबक नंबर 4 गर्मी का मौसम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशी दशाया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा। दरो दीवार है गर्मी से तपते, न बनी आदम है मछली से तपते। न पूछो कुछ गरीबों के मका का, जमी का फर्श है छत आसमान। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समय। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेटा। उम्मीद है कि ये गर्मी के मौसम से रिलेटेड बहुत पसंद आई होगी। इसमें बताया है कि अमीरों और गरीबों की गर्मी और उसमें क्या फ़र्क है और गर्मी किस तरह लोगों को करती है, लेकिन अल्लाह का मौसम है। अब इसके बाद अल्फाज मानी है, लफ्ज अल्फाज के जैसे पोशीदा छिपा हुआ, तड़ाके की धूप बहुत तेज़ चटखा देने वाली धूप, पछवा हवा पश्चिम की तरफ से चलने वाली गर्म हवा, बनी आदम आदम की नस्ल मुराद आदमी, समरा फल हासिल, अल्लाह वली अल्लाह मालिक अल्लाह ने, टट्टी बाँस या सर खंडों की बनी हुई, आड़ जो बैतोर दरो दीवार खड़ी की गई, चोला आग की लपट, फर्श बिछोना बिस्तर, हवेली बड़ा सा मकान। इसके बाद बच्चों इसमें जो है तशरी भी दे रखी है, आप यहाँ से तशरी उतार सकते हैं बहुत आसान अल्फाज में। और अगले पेज पे भी थोड़ी सी तशरी है, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर शेर के बाद उसकी तशरी यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ से तशरी बहुत आसानी के साथ राइटिंग अच्छी अच्छी करके उतारिए। राइटिंग ही आपकी पहचान है, अच्छे अखलाक अच्छी तहरीर अच्छी तहरीर जो है अच्छे अखलाक की अलामत है। इसके बाद जो है मरकज़ी ख्याल क्या है, इसमें शायर ने शदीद गर्मी का जिक्र किया। इस मौसम में गरीब गर्मी की शिद्दत से बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना मकान होता है ना पंखे, मामूली सी झोपड़ी में गर्मी के मारे तड़पते रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने महलों में आराम से रहते हैं। अब इसके बाद ये सवाल पूछे, पहला है गर्मी के मौसम किस महीने में शुरू होता है। गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने से शुरू हो जाता है। अगला है दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। दिन के 12 बजे दोपहर शिद्दत की गर्मी होती है, लू की हवा को कहते हैं। गर्मी में तेज़ गर्म चलने वाली हवा को लू कहते हैं। तड़के की धूप से क्या मुराद है, तड़ाके की धूप से मुराद बहुत तेज़ धूप जिससे जिस्म झुलसता है। मछली से तड़पने का क्या मतलब है, मछली से तड़पने का मतलब है जिस तरह मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है, इसी तरह गर्मी की तेज़ धूप में इंसान तड़पते हैं परेशान होते हैं। सवाल नंबर 6 है गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं। बेचारे गरीब लोग मामूली सी झोंपड़ी में बग़ैर कंधे और टट्टी के गुजारा करते हैं। पछवा हवा को शोले क्यों कहा गया, पछवा हवा को शोले इसलिए कहा गया क्योंकि पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा गर्म होती है और उसमें शोले की तरह गर्मी महसूस होती है। तो इसके बाद जो है बच्चों अशार मुकम्मल करने का है कि अशार मुकम्मल करिए, तो यहाँ पे मुकम्मल करके अशार पहले ही दे रखे हैं और फिर दोबारा से अल्फाज को लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे लपट, तो आप बे एहतियाती से ज़रा सी चिंगारी आग की लपट बन जाती है, ठीक है। इसी तरह सारे अल्फाज जो है उनके यहाँ पे जुमले बना के दे रखे हैं, आप उतार सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगले पेज पर अपने इन लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट हिंदी में बोलते हैं विलोम। तो पोशीदा का होता है जाहिर, फर्श का होता है अर्श, गर्मी का होता है सर्दी, धूप का छाव, गरीब का अमीर, शोले का शबनम, आसमान का ज़मीन। तो बच्चों ये समझ में आया, अब है अमली काम। इस नज़्म को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, अब नीचे गौर करने की बात है। तजबिया किसे कहते हैं, एक चीज़ को दूसरी मिसाल से मिसाल देना तजबी कहना, जैसे ज़मीन है या कोई जलता तवा है। ज़मीन को यहाँ पे जलता तवा कहा गया है,
तो ये तशबीह हो गई, ज़मीन को जलते तवे से मिसाल दी। इस मिसे में ज़मीन को चलते तवे से तशबीह दी गई। इस नज़्म में और भी तशबीहात हैं, जैसे कड़ी धूप को आग की लपट कहा गया, पछवा हवा को आग का शोला कहा गया। तो इस तरह ये यहाँ पे सबक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, बताइए हमें कि सर आपने ये चीज़ गलत करी है, वो गलत करी है, या सर हमें इस सबक की चाहिए, सर हमें कॉलेज की वीडियो चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती रहेगी वैसे वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट। शुक्रिया।